लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश की पार्टी में बाहुबलियों को दागियों को टिकट नहीं दिए गए। बिहार चुनाव में बाहुबलियों का बोलबाला है। आज तक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बिहार में सभी दलों में बाहुबलियों और उनकी पत्नियों को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि सभी दलों का ये दावा भी है कि सभी बेदाग छवि वाले प्रत्याशी हैं। इनमें किसी का चेहरा बाहुबली का है तो कोई बाहुबली की पत्नी है। इनमें समानता यह है कि इन सभी को बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक बनने के लिए उम्मीदवार का टिकट मिला है, भले ही इनकी पार्टी अलग अलग है। भोजपुर के सबसे बड़े बाहुबली नेता के तौर पर पहचान रखने वाले जेल में बंद सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे तरारी से एलजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। 90 के दशक में बिहार के रॉबिनहुड के नाम से मशहूर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को मांझी की पार्टी हम की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। जेडीयू ने वैशाली के बाहुबली और हाल ही में जेल से बाहर निकले मुन्ना शुक्ला को लालगंज से टिकट दिया है। नवादा के बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। गया के बाहुबली और जेल में कैद राजेंद्र यादव की बीवी कुंती देवी पर आरजेडी ने भरोसा जताया है। कुल मिलाकर टिकट बंटवारे में दामन किसी भी दल का साफ नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से पीछा नहीं छूट रहा। मैं यदि कुछ दिन पहले ज्वाइन करता तो यह सोचा जाता कि मैं टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी में आया हूं या टिकट की इच्छा भारतीय जनता पार्टी से रखता हूं, लेकिन मैं अपने दल में रहा और जब नामांकन की तिथि खत्म हो गई उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हमने ग्रहण किया है। बाहुबलियों की पत्नियों की फेहरिस्त अगर देखें तो अब तक सूरज भान की पत्नी संसद पहुंच चुकी हैं, बिंदी यादव की पत्नी विधान परिषद का रुख कर चुकी हैं, तो सुनील पांडे, अखिलेश सिंह और राजेंद्र यादव की पत्नियां विधानसभा में आने के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। साफ है चुनाव के बाद कई मिसेज बाहुबली इस सदन में दिखाई देंगी। विमलेंदु चैतन्य, संदीप और विजयवान के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक।